हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे रियल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। जितने भी हरियाणा के नागरिक हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई फ्रेंड्स। हरियाणा राज्य परिवहन की तरफ से जो बसों की बढ़ोतरी की गई है, किस किस जिले में कितनी बसों की बढ़ोतरी की गई है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊँगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना। तो आप देख सकते हैं हरियाणा राज्य परिवहन की तरफ से यह नोटिस आया है। इसमें बताया कि निदेशक राज्य परिवहन हरियाणा सेवा में अशोक लेलैंड लिमिटेड, जी हाँ, सेक्टर नंबर 812 फ्लोर सेक्शन कालका रोड मेनी माजरा चंडीगढ़ में ये हरियाणा रोडवेज की बसें हैं बनती हैं, ठीक है। और इसमें पूरी जानकारी आपको बता देता हूँ किस किस ज़िले में कितनी बसों की बढ़ोतरी की गई है। बड़ी खुशखबरी की खबर है फ्रेंड्स, बड़ी राहत की खबर है। तो इसमें देख सकते हैं मैसेज, अशोक लेलैंड लिमिटेड द्वारा राज्य परिवहन विभाग हरियाणा के विभिन्न आगारों के लिए कुल 400 नई बस चेसिस पूर्ति के संबंध में शेड्यूल, जी हाँ, 400 नई बसें हैं वो शेड्यूल की गई है नई बसें। और इसमें बताइए उपयुक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 948 SPA तकनीकी दिनांक 9/7/21 के संदर्भ में विशंकित मामले में आपके मैसेज अशोक लेलैंड लिमिटेड द्वारा राज्य परिवहन विभाग हरियाणा के विभिन्न आगारों के लिए 400 नई बस चेसिस की आपूर्ति हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HRECS गुरुग्राम के परिसर में की जानी है, के संबंध में शेड्यूल निम्न प्रकार से हैं। तो किस किस जिले में कितनी बसें जारी की जाएंगी नई नई हैं जो अशोक लेलैंड लिमिटेड की कंपनी है, जो बसें हैं ये जारी की जाएंगी। तो इसमें देख सकते हैं हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम में 30 बसें जारी की जाएंगी नई बसें, रोहतक में भी 30 बसें, हिसार में भी 30 बसें और रेवाड़ी में भी 30 बसें जारी की जाएंगी, भिवानी में भी 30 बसें, सिरसा में 30 बसें। आप देख सकते हैं जितने भी हरियाणा के नागरिक जो हरियाणा रोड में सफ़र करते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना। तो आप देख सकते हैं सिरसा में 30 बसें जारी की गई हैं, फरीदाबाद में 45, फतेहाबाद में 20, झज्जर में 30, नारनौल में 30, चरखी दादरी में 30, पलवल में 40 और नू में 15। टोटल 40 बसें बनती हैं, ये नई बसें हैं जो इन डिस्ट्रिक्ट में जो लिस्ट मैंने बताई है इस वीडियो में, तो इन जिलों में हैं जो नई बसें जारी की गई है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। जितने भी हरियाणा के नागरिक हैं हरियाणा राज्य परिवहन में की तरफ से बड़ी खुशखबरी है, बड़ी राहत की खबर है। जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था उनके लिए नई बसें वो जारी की गई है हरियाणा राज्य परिवहन की तरफ से। तो आप देख सकते हैं 400 जो नई बसें हैं इन ज़िलों में जारी की गई हैं, ठीक है। और इसमें बता देता हूँ, इसमें एक और साफ साफ जानकारी बताइए, इसके साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप द्वारा आपूर्ति की जाने वाली नई बस चेसिस के साथ दिए जाने वाले सभी टूल्स का विवरण दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित करें, ताकि किसी प्रकार की कोई संदेह न रहे। इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि इन नई चेसिस की बिल्डिंग प्रबंध निदेशक हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन गुरुग्राम सह निदेशक राज्य परिवहन हरियाणा के नाम से की जानी है और इनका पंजीकरण हरियाणा राज्य परिवहन के संबंधित आगार के महाप्रबंधक के नाम से किया जाना है। उप परिवहन नियंत्रक के हस्ताक्षर किए गए इसमें पूरी जानकारी बताई गई है। और उपरोक्त एक प्रति महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, सिरसा, फरीदाबाद, फतेहाबाद, झज्जर, नारनौल, चरखी दादरी, पलवल व नू को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी हरियाणा राज्य परिवहन की तरफ से जो 400 बसें नई जारी की गई हैं इन जिलों में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।